सफलता एक बार में नहीं, एक ही चीज को बार बार करने से मिलती है। जीवन में किसी को परखने का नहीं, हमेशा समझने का प्रयास करिए। जिंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, पर जिंदगी तब बेहतरीन होती है जब आपकी वजह से कोई और खुश होता है। जीवन में कुछ तो सहन करना सीखना ही चाहिए, क्योंकि हम में भी ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से चुप रहना शुरू कर देता है। जोखिम लिए बिना तरक्की संभव नहीं है। इज्जत के बदले इज्जत भले ही कम दें, मगर बेइज्जती को पूरा सूद समेत वापस करें, क्योंकि जब तक सहना नहीं छोड़ेंगे, लोग कहना नहीं छोड़ेंगे, जितना आप सरल सीधे और नरम दिल के रहोगे, आप उतने ही चतुर लोगों द्वारा खदेड़ दिए जाओगे। आपके लोगों ने आपके साथ कितना भी दुर्व्यवहार किया हो, उसे भूलने की कोशिश कीजिए और अपने आप से यह कहने की कोशिश कीजिए, आने वाला कल मेरा है। सांसों का रुक जाना ही मरना नहीं है, वो हर व्यक्ति मरा हुआ है जो सही को सही, गलत को गलत नहीं बोल सकता। छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं मुकाम, कोई भी हो, निभाने वाले निभा जाते हैं। हालात कैसे भी हों, मौत से कैसा डर, मिनटों का खेल है। आफत तो जिंदगी है, बरसों चला करती है। किसी की मदद करने के लिए केवल धन की जरूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की जरूरत होती है। गहरा गोता लगाने वाले को ही मोती मिलता है। समझदार इंसान का दिमाग चलता है और ना समझ इंसान की जुबान। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। दस्तक और आवाज तो कानों के लिए होती है, जो रूह को सुनाई दे वो खामोशी होती है। फूल चाहे कितनी भी ऊंची टहनी पर लग जाए, लेकिन मिट्टी से तक जुड़ा रहता है तभी खिलता है। सीधे और सच्चे इंसान को कभी परेशान मत करना, क्योंकि सीधा इंसान तो सह लेता है, लेकिन उसका जवाब भगवान टेढ़े तरीके से देता है। तारीफ किए बिना कोई खुश होता नहीं, और झूठ बोले बिना किसी की तारीफ होती नहीं। बहुत फर्क होता है मजे और आनंद में। मजे के लिए पैसे की जरूरत होती है और आनंद के लिए सिर्फ परिवार और मित्र की। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यह है कि उन्हें आप जितनी ज्यादा इज्जत देंगे, वे आपको उतना ही तकलीफ देंगे। सुख क्या है? आप डॉक्टर को ना ढूंढे और पुलिस आपको ना ढूंढे, यही सुख है। खुश होना है तो तारीफ सुनिए, और बेहतर होना है तो निंदा ईश्वर देता उसी को है जो बांटना जानता है। फिर चाहे वो धन हो या खुशी, मन को समझने वाली माँ और भविष्य पहचानने वाले पिता, यही दोनों इस दुनिया के एकमात्र ज्योतिषी हैं। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। कोई भी रिश्ता बनता तो विश्वास से है, पर चलता बर्दाश्त से है। जल्दी जाग जाना आदि अनादि काल से फायदेमंद रहा है, चाहे नींद हो या वहम नजर। और नसीब का कुछ ऐसा इत्तेफाक है कि नजर को अक्सर वही चीज पसंद आती है जो नसीब में नहीं होती। रिश्ता क्या है ये जानने से अच्छा अपनापन कितना ये महसूस कीजिए। अन्न के कण और आनंद के क्षण कभी व्यर्थ न जाने दे, दोनों अमूल्य हैं। गलत फहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक है। हर समस्या का एक उपाय अवश्य होता है। समस्या कभी भी बगैर समाधान के अकेली पैदा नहीं हो सकती। खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। खामोशी हर सवाल का बेहतरीन जवाब है, और मुस्कुराहट हर हालात की बेहतरीन प्रतिक्रिया। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव है। मुश्किल हालातों में ढटे रहना ही जिंदगी है। खामोशी से बनाते रहो पहचान, अपनी बढ़ावाएं खुद गुनगुनाएगी। नाम तुम्हारा मोमबत्ती को भी बिल्कुल आखिर में पता चलता है कि जिस धागे को उसने अपने सीने में छुपाए रखा था, उसी धागे ने उसे खत्म कर दिया। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कदर करो, क्योंकि वो आपको जीने का अंदाज सिखाता है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। जिंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, लेकिन यकी करो, जिंदगी तब बेहतरीन हो जाती है जब हमारी वजह से सब खुश होते हैं। दुनिया का सबसे अच्छा रिश्ता वो होता है जिसमें एक हल्की सी मुस्कुराहट और छोटी सी माफी से जिंदगी दोबारा पहले जैसी हो जाती है। समय बीत जाने के बाद कदर की जाए तो वो कदर नहीं, अफसोस कहलाता है। हमेशा धैर्य रखना चाहिए। जब अच्छा वक्त हमेशा नहीं रह सकता, तो बुरा वक्त हमेशा कैसे रह सकता है।
जीवन में अगर कुछ प्राप्त ना हो तो निराश मत होना, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए कुछ बेहतर सोच रखा है। रिश्ता जो भी हो मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित है। एक शब्द मंत्र हो जाता है, एक शब्द गाली कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय करवाती है, क्योंकि हमारी वाणी ही किसी को हमारे नजदीक तो किसी को हमसे दूर करवाती है। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देख के कौन कह सकता है कि ये सांप खाता होगा। जीवन सुंदर ऐसे ही नहीं बनता, इसे प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम के साथ सुंदर बनाना पड़ता है। हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं होती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। जिनकी हंसी खूबसूरत होती है उनके जख्म काफी गहरे होते हैं। सबके दिलों का एहसास अलग होता है। इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी होती हैं, पर सबका देखने का अंदाज अलग होता है। जीवन में कोई भी भलाई व्यर्थ नहीं जाती, किसी ना किसी रूप में लौटकर जरूर आती है। मौन रहना एक साधना है, और सोच समझकर बोलना एक कला है। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे कल से बेहतर होगा, यह सोच आपको कभी निराश नहीं होने देगी। आपके अच्छे कर्म ही आपके हर सुख का आधार है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता है, उसके संस्कार होते हैं। वक्त जरूर लगा पर मैं संभल गया, क्योंकि मैं ठोकरों से गिरा था, किसी की नजरों से नहीं। इतना गुरूर में भी रखता हूं ऐ जिंदगी, शुक्र करूंगा, सब करूंगा, पर शिकायत नहीं। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। जिंदगी का एक उसूल रखो, कभी किसी को हराने की नहीं, बल्क हर किसी को जीतने की ताकत रखो। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदि मत बनाइए, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता तो आपकी अच्छाई भूल जाता। प्यार का मतलब ये नहीं होता कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो। प्यार का मतलब ये होता है कि कोई स्पेशल हो, जिसकी आप फिक्र करो और जिसे आपकी फिक्र हो। पुराने लोग भावुक थे, तब वो संबंध को संभालते थे। बाद में लोग प्रैक्टिकल हो गए, तब वो संबंध का फायदा उठाने लग गए। अब तो लोग प्रोफेशनल हो गए, फायदा अगर है तो ही संबंध निभाते हैं। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी, विचार एवं कार्यों से ही होती है। जिंदगी भी एक अनजान किताब जैसी है। अगले पन्ने पर क्या लिखा है किसी को नहीं है पता। वक्त और ईश्वर पर भरोसा रखो, आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। जिंदगी एक प्रतिध्वनि है, सब कुछ वापस आ जाता है, अच्छा बुरा झूठ सच। अतः दुनियाओं को आप सबसे अच्छा देने का प्रयास करें, और निश्चित ही सबसे अच्छा आपके पास वापस आएगा। बिना किताबों से जो पढ़ाई सीखी जाती है उसे ही जिंदगी कहते हैं। वक्त ही अकेला बादशाह है, इंसान तो व्यर्थ ही घमंड करता है। जिसके मन में ईश्वर का प्रेम उत्पन्न हो गया उसे संसार का कोई सुख अच्छा नहीं लगता। अकाल पड़ा है पूरी दुनिया में प्रेम आदर और सम्मान का, क्यों